हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, एक्चुअली हम इसे अनबॉक्स भी कह सकते हैं, बॉक्स नहीं लेकिन अनबॉक्सिंग ही है, बेंच वाइस, यानी कि जिसे हिंदी में हम बोलते हैं बाघ, तो बाघ भी बोलते हैं कुछ लोग, क्लिपर भी बोलते हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिनल नेम है वो है दोस्तों बेंच वाइस। बेंच वाइस जो कि टेबल पे नट बोल्ट्स के लिए नट बोल्ट लगा के जिसको हम कसा जाता है, जैसे कुछ भी चीज है उसमें फंसा के कुछ ग्राइंडिंग करनी हो या कुछ होल्स करने हो या कोई नट नहीं खुल रहा उसके लिए बेंच वाइस का यूज किया जाता है। तो हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, अनबॉक्सिंग और जानेंगे उसको यूज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला ये जो मैंने जो परचेज किया है बहुत ही सस्ता मिला है मुझे, सारी चीजें आपको एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने बेंच वाइस की तरफ। तो दोस्तों, ये जो बेंच वाइस है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे को कुछ इस टाइप से मैं लेके आया हूं। ये मुझे एक इस थैले में डाल के लाना पड़ा है क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर में कई जगह बारिश हो रही थी। एक्चुअली में ये दोस्तों एक पैकिंग फील्ड होता है और इसके ऊपर एक बॉक्स होता है, तो फिलहाल तो वो बॉक्स नहीं था, तो ये इस तरीके का होता है, ये आप देख सकते हो। ये है दोस्तों जिसे हम बाग, जैसा कि मैंने बताया, बेंच वाइस। अच्छा दोस्तों, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ये जो मैंने लिया है, ये मैंने पहले इसको अच्छी तरह से ऑनलाइन मैंने चेक कर लिया था, जैसे अमेजोन पे जब मैं इसको चेक कर रहा था। सबसे पहले दोस्तों हमें एक चीज जान लेनी है, जैसे इसमें नंबर्स होते हैं, जैसे ये है, यहां आप देख सकते हो उस पर लिखा होगा, ये आप देख रहे होगे, ये 2 बना हुआ है दोस्तों, ये 2 नंबर है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, बाकी आगे बढ़ता चले जाता है, जितने नंबर ज्यादा होंगे उतना साइज बड़ा होगा और वेट उसका भी ज्यादा होगा। अब ये 2 नंबर का है, इसका जो वेट है, जो इसकी वेट कैपेसिटी है, मैं आपको बता दूं, ये मैंने वहां भी वैसे खैर नापा था, ये दोस्तों आपका 3 से 3.5 किलो के बीच है, एग्जैक्ट वेट इसका 3 किलो 700 ग्राम है, तो काफी वेट है इसमें, पहला। दूसरी चीज, जैसा कि हमें इसको यूज में हम इसको ऐसे रख के करेंगे तो दोस्तों काफी दिक्कत होगी, ये हिलेगा डुलेगा। आप ये देख सकते हो इसमें 2 होल्स बने हुए हैं, ये वाले, एक येरा और दोस्तों एक होल्स येरा, तो इन दोनों होल्स को हम किसी भी, जैसे ये मेरे पास जो टेबल है मैं इस पे भी सेट कर सकता हूं, या जहां पे आपको बेंच हो या टेबल हो, कोई भी डेस्क हो या आप यू कह लो काउंटर हो, वहां आप इसको अटैच कर सकते हो। ज्यादातर आपने देखा होगा जो अपना इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जैसे कि अपना ये फैन रिपेयरिंग वाले, जो फैन रिपेयर जो शॉप्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल शॉप्स होती है, वो लोग इसका यूज ज्यादा करते हैं। मैंने दोस्तों इसलिए मंगाया क्योंकि हमारे को भी दोस्तों इस चीज की जरूरत पड़ती रहती है, कुछ भी चीज है, कोई भी बोल्ट नहीं खुल पा रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों वहां ये हमारी बहुत हेल्प करता है। अब इसमें ये मार्वल कंपनी का है, ठीक है, अब इसको ऑपरेट हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां ये हो गया, अब ये मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, यहां से मैं इसको यहां से ओपन करता हूं, ये इस यहां से अगर हम इसको घुमाएंगे तो दोस्तों ये ऐसे अगर हम इसको घुमाएंगे तो यहां से ये मूव होता रहेगा, या देख लीजिए मैं इसको पूरी लेंथ खोल के आपको दिखाता हूं कितना ये खुलता है। 2 नंबर एक्चुअल में मेरे को नहीं पता है कितना है साइज होता है, 2 नंबर तो इसका नंबर डाला हुआ, अभी आप देखोगे तो ये 2 इंची के करीब खुल चुका है यहां से। और दोस्तों सबसे जो बढ़िया चीज मुझे लगी है वो इसकी जो ग्रिपिंग है, जैसे नट अगर कोई भी आपको काटना हो या ग्रेविंग करना हो या कुछ भी चीज है, तो यहां इसको फंसा के आप देख सकते हो, यहां पे ये इसमें इसकी जो ये इसमें जो ब्रिसल्स दिए हुए हैं काफी उसके स्ट्रांग है, कोई ऐसी खास दिक्कत आएगी नहीं। तो ये हम इसको यहां से और खोलते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कहां तक जाता है। तो ये है दोस्तों, काफी अभी तो है, तो ये आप देख सकते हो 3 इंची से ऊपर ये खुल चुका है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको ये दिखाया, अब हम इसमें जैसे हमें मान लीजिए ये मेरे पास एक लोहे का ये पुशअप बैंड है, जिसे हम चेन पुशअप्स करते हैं, डेप्स लगाते हैं, तो ये काम में कैसे आता है मैं आपको बता देता हूं। मैं इसको अब दोस्तों कस रहा हूं, ठीक है,
तो ये कसने के साथ अब ये देखो यहां ये आ चुका है, ठीक है। अभी मैं इसको और जितना टाइट करता जाऊंगा उतना ये होता जाएगा। तो ये दोस्तों मेरे को ये फुल टाइट यहां पे ये हो चुका है। अब आप देखोगे, ये देखो ये पूरा वाइस भी हिल रहा है, ये इतना टाइट है। क्योंकि मैंने जैसा कि बताया, जब हम इसको प्रॉपरली यूज करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे, तब हम हो सकता है मैं अपनी इस टेबल पे, डेस्क टेबल पे यूज करूं, या हो सकता है कहीं और इसको बनाऊं। लेकिन ये अब आप देख सकते हो, अब इसमें मुझे मान लो पॉलिशिंग करनी है या पेंट करना है, या फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें होल करना हो, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इसमें किसी भी टाइप का। तो दोस्तों जब यहां से ये दो स्क्रूज में जो आप देख रहे हो, ये नीचे जो पॉइंट बने हुए हैं ये वाले दो, ये जब स्क्रू लग जाएंगे तो ये हिलना बिल्कुल बंद कर जाएगा। फिर हम इसको आराम से इसको काट भी सकते हैं, किसी भी चीज को काट सकते हैं, स्क्रूज में होल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई ज्यादा झंझट नहीं है। तो यही था बस इसका मेन प्रोसेस। और दोस्तों इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, मैं आपको बताऊं, ये दो वेरिएंट में अवेलेबल होता है। ये दोस्तों एक्चुअली में एक डेक्च्यून और आयरन, यानी कि डेक्च्यून और लोहे में ये मिलता है, और एक होता है दोस्तों पूरा आयरन, पूरा लोहे का बना होता है। मेन चीज होती है जो सबसे ज्यादा जो मेन देखा जाता है, वो देखा जाता है दोस्तों इसका ये क्लैपर, ये आयरन का होना चाहिए। ये डेक्च्यून होगा चलेगा, लेकिन ये आयरन का होना चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये पूरा कंप्लीटली जो सेट है मेरे पास इस टाइम, ये पूरा आयरन का है। इसमें आप स्प्रिंग्स भी देख सकते हो, काफी हैवी क्वालिटी के लगाए हुए हैं। ये मेरे पास पूरा आयरन का है। अब बात कर लेता हूं मैं आपको इसकी प्राइस की, इसको हम हटा देते हैं। अब दोस्तों मैं इसकी प्राइस की आपसे अगर बात करूं, तो मैंने सबसे पहले अमेजोन पे चेक किया। खैर दोस्तों कंपनियां तो बहुत सी हैं, जैसे टपारिया, पाए वगैरह, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, ये मार्वल कंपनी है। तो दोस्तों ब्रांड के ऊपर जाएंगे तो थोड़ी और क्वालिटी हमें अच्छी मिल जाती है। बाकी दोस्तों जैसा मुझे चाहिए था मेरे यूज के लिए, मुझे ये मार्वल कंपनी का मुझे अच्छा लगा, काफी बेस्ट प्रोडक्ट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये प्योर आयरन है। जब मैंने अमेजोन पे चेक किया तो उसमें डेक्च्यून प्लस आयरन, मतलब डेक्च्यून और लोहे का मिक्स होके, उसमें प्राइस दो नंबर वाइज की, बेंच वाइज की प्राइस, यानी कि दो नंबर बाप की प्राइस जो उसमें दिखा रहा था, वो दोस्तों 1400 रुपए से भी ऊपर दिखा रहा था दो नंबर की। और जब मैंने उसी को कन्वर्ट करा प्योर आयरन में, यानी कि पूरे लोहे में एकदम पेंटेड, तो दोस्तों पेंटेड लोहे में, मतलब पूरा कंप्लीटली, तो वो दोस्तों कम से कम भी नहीं, तो आप मान के चलिए 2500 से 3000 की रेंज में आ रहा था दो नंबर में। बस फर्क होता है ये, जैसे उसमें जो आपका मिक्स होगा डेक्च्यून और आयरन होगा, वो साइज में, जैसे इसकी ये लंबाई इतनी आ रही है, आप टोटली आप देख पा रहे हो ये डिस्प्ले में, तो वो जो लंबाई है उसकी डेक्च्यून की, वो थोड़ी छोटी होती है, वो थोड़ा छोटा होता है, बस ये फर्क होता है। और क्वालिटी का तो है ही दोस्तों, आयरन का होगा तो सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। सर्विसिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, इसको हम ऑयलिंग कर सकते हैं। ये जो दोस्तों मुझे मिला है, ये मैं रहता हूं दोस्तों दिल्ली में। दिल्ली में आपने नाम सुना होगा, लाल किला, जामा मस्जिद बहुत फेमस है। जामा मस्जिद में एक मीना बाजार है। मीना बाजार में दोस्तों इलेक्ट्रिकल की, मतलब जिसे हम टूल्स, पावर टूल्स बोलते हैं, जैसे ये बेंच वाइस हुआ, हमारा एंगल ग्राइंडर हुआ, ड्रिल मशीन हुई, या हैमर रोट, कुछ भी टाइप की पावर टूल्स जितने भी आते हैं, एक 1 mm की ड्रिल बिट से लेके दोस्तों मैंने 85 mm तक की बिट्स देखी हैं। आप वुड वूल ले लो, वुड वाली ले लो विल, या कंक्रीट वाली दीवार में होल करने वाली, या मेटल में, सारी वेरियंट अवेलेबल है, सारी वेरियंट। उसमें आपको डाई ग्राइंडर तक के भी टूल मिलते हैं। मेरे को ये वहां से दोस्तों, ये मैंने वहीं से परचेस किया है दोस्तों, ये मुझे मिला है सिर्फ 850 रुपीज ओनली। आप चेक करेंगे वहां जाके, मैं सारी उस दुकान, जिस शॉप से मैंने लिया है, खैर वैसे तो लाल किले में वो मीना बाजार बड़ा फेमस है, वहां एक नहीं दोस्तों, पहली चीज वहां पे कम से कम दोस्तों 500 से 600 शॉप्स हैं, इन्हीं चीजों का काम होता है यहाँ पे, पावर टूल्स का, मोटर्स का वगैरह। तो वहां पे जिस शॉप से मैंने परचेस किया, मैं वो सारी डिटेल डाल दूंगा, आप जाके वहां चेक कर सकते हो। और दोस्तों बहुत वैल्यू ऑफ मनी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस चीज आप सामने लें और देख के लें। कई बार क्या होता है वहां दोस्तों पुराने भी मिलते हैं, इसमें ऑप्शन था, ये जो दो नंबर का था मुझे वहां पुराना भी मिल रहा था, वो दोस्तों 450 रुपीज का था, बस उसने ये था थोड़ा
पुराना था, रस्टी था, पेंटेड करना पड़ता है ये। मैंने दोस्तों झंझट करा नहीं आता, मैंने एकदम ब्रांड न्यू लिया है। ये आप देख सकते हो क्या शाइनिंग मार रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों जिस किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे हमारी आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों जल्दी आपसे अगली वीडियो में।